यार आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक बेसिक सी वेबसाइट विद यूजिंग HTML एंड CSS। और इसमें हम बहुत सी बेसिक चीज़ें कवर्स करेंगे ताकि हमारे बेसिक क्लियर रहें। हम यहाँ देखेंगे लोगो कैसे आया है, हमारे यहाँ पे हमने इंडेक्स हमारी आइटम्स कैसे अलाइन करी हैं, और जो हमारा ये वाला कंटेंट है ये सेंटर में कैसे आया है, ठीक है। और हमने ये बैकग्राउंड इमेज जो है ये कैसे लगाई है, तो हम आज की वीडियो में ये सब सीखेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अपने फोल्डर में आके एक हम न्यू फाइल बना लेते हैं विद द नेम index.html, और अपनी CSS का नाम हम रखेंगे index.css, ठीक है। index.html में हम यहाँ पर HTML5 से बॉयलर प्लेट हम उठा लेते हैं, अपनी टाइटल का नाम रख लेते हैं माई वेबसाइट। यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं तो हमें अपने टाइटल में दिखेगा, ठीक है। और हम इसको अपनी CSS को लिंक कर देते हैं विद द index.css फाइल, और हम यहाँ पर ऐसे ही देखते हैं कि हमारा लिंक हो गई है या नहीं हुई। हम यहाँ पे दे देंगे बैकग्राउंड कलर, लेट्स से कुछ भी रेड, हाइट दे देंगे लेट्स से 100 VH, ठीक है। तो हम यहाँ पर टेस्ट चेक कर लेते हैं कि हमारी CSS लिंक हो गई है या नहीं हुई, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर CSS लिंक हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, जब हम एक वेबसाइट बनाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम जो डिफॉल्ट मार्जिन होती है वो हम हटा देते हैं, और जो पैडिंग होती है तो बेसिकली हम मार्जिन और पैडिंग 0-0 कर देते हैं, ताकि जो हमारा पेज का फुल कंटेंट है वो ही डिस्प्ले हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बॉडी में आएंगे। बॉडी में आने के बाद हमें सबसे पहले चाहिए नेविगेशन बार। तो हम यहाँ पे नेव बार को एक नेव क्लास दे देते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या कहता है हमारा डिव, और उसके अंदर एक हमारा लोगो था, राइट। तो यहाँ पे हमने लोगो लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, और जो हमारे यहाँ वेबसाइट में हमारे जो ये कंटेंट है होम अबाउट सर्विसेज कॉन्टैक्ट, हमें ये बनाने हैं, तो इसको हम देंगे नैव चाइल्ड, ठीक है। इसको हम क्लास देंगे, हमारे नैव चाइल्ड हैं, तो हमने इसके अंदर ये बना लिया। और हम इसमें डिव बना लेंगे, ठीक है। कितने, एक हम देंगे होम, ठीक है। यहाँ पर देंगे और क्या था हमारा अबाउट, नेक्स्ट क्या था हमारा सर्विसेज, और क्या था हमारा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमने ये बना लिया। अभी हम व्यू देख लेते हैं, अभी हमारा व्यू आ रहा है ऐसा, ठीक है। हम इसको बना देंगे कैसा, ऐसे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने एडिटर पे, ठीक है। एडिटर में सबसे पहले तो हम नेविगेशन जो है हमारा .nav, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, एक मिनट, यहाँ पर हम साइड बाय साइड देखते हैं, ठीक है। हमने डिस्प्ले फ्लेक्स किया तो देखो हमारा ये वाला जो था ये ऐसे हो गया, मतलब एक हमारा डिव ये है और एक ये पूरा डिव है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऐसे ही रहा और ये वाली बाकी चीजें एज इट इज है, ठीक है। इसको भी हम अभी फिक्स करते हैं। उसके बाद हम इसमें जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे स्पेस अराउंड, ठीक है। ये देखो स्पेस अराउंड करने से इन दोनों में गैप आ गया, ठीक है। गैप आने के बाद और हम जो हमने इसको नया चाइल्ड बनाया था इसको, ठीक है, जो हमने ये नया चाइल्ड बनाया था इसको भी हम क्लास दे देते हैं कि ये भी जो है ऐसे डिव अभी ऐसे अलाइन है, हमें चाहिए कॉलम वाइज, ठीक है। तो हम इसको डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स, तो फ्लेक्स करते ही एक लाइन में आ जाएंगे, देखा, ठीक है। इसको हमने फ्लेक्स कर दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर गैप देने के लिए हम इसको कर देंगे पैडिंग लेफ्ट ऑफ 30 पिक्सल्स, ठीक है। और ये वाली जो क्लास है ये हम इनमें सब में प्रोवाइड कर देंगे, क्लास में चाइल्ड, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, सेव करा, ठीक है। अब ये हमारे पास सब में स्पेस आ गया, ये देखो, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिव भी है, ओके। पर यहाँ पर हमारा एक तरह से नेविगेशन बार रेडी हो गया, सिर्फ इतने से CSS पे, जिसमें हमने बस दोनों को डिस्प्ले फ्लेक्स ही दिया, ठीक है। ये इतना सिंपल है। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, यहाँ पर थोड़ा इसको थोड़ा और सुंदर बना लेते हैं, CSS का काम ही सुंदर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे नेविगेशन बार को
हम फॉन्ट दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल्स का, ठीक है। और क्या करेंगे इसमें, बैकग्राउंड कलर डाल देंगे थोड़ा सा सुंदर होने के लिए, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर पिंक रखते हैं अभी, ठीक है। सेव किया तो ये हमारा आ गया पिंक का, ठीक है। इसके बाद हमें अपना जो टेक्स्ट का कलर है वो हम थोड़ा सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे वाइट कर देंगे, तो ये थोड़ा वाइट हो गया, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं डार्क शेड का, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें पैडिंग डाल देंगे ताकि ऊपर से थोड़ा और नीचे से स्पेस आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो इसमें 20 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। तो ये लग रहा है थोड़ा बहुत, देखो बिल्कुल हमारा सेम जाता हुआ, ठीक है। यहाँ पर इसमें हमने पॉइंटर आ रहा है, इसमें हमने पॉइंटर नहीं दिया हुआ, तो हम इसको भी पॉइंटर बना लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर एक तो हमारा लोगो है जो हमने क्लास दी हुई है, उसको हमने कर्सर पॉइंटर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे होवर करेंगे तो हमारा पॉइंटर कर्सर आएगा, और हमें इन पे भी वो भी चाहिए कर्सर पॉइंटर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इसको क्लास दी हुई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी कर्सर पॉइंटर दे देंगे। सेव करेंगे, यहाँ पर होवर करेंगे तो हमारे कर्सर पॉइंटर्स हो गए। तो अब हमारा सिमिलर एकदम जो है हमारा बिल्कुल सेम जाता हुआ है, ठीक है। और अब ये वाला डिव जो है सेकेंड डिव, इसके लिए क्या करना होगा, हम नेविगेशन वाले डिव से बाहर आएंगे और यहाँ पर एक डिव बनाएंगे विद द क्लास ऑफ सेक्शन, ठीक है। ये हमारा न्यू सेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्शन को सीएसएस देंगे। सीएसएस में हमें सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड जो इमेज है हमारी, हमने वो डाल लिया, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज मैंने कोई भी यूआरएल उठा लिया है इस इमेज का, इस वाली इमेज का यूआरएल मैंने गूगल से उठा लिया, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसको सेव करेंगे और हमें ना यहाँ पर इस सेक्शन की हाइट देनी पड़ेगी। हाइट कैसे देंगे, हमें पूरी फुल स्क्रीन चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको देंगे 90 VH, ठीक है। 90 हर्ट्स, 90 की दे दी हमने इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम विड्थ भी देंगे 100%, ठीक है। ठीक है, विड्थ 100% दे दी हमने। हम यहाँ पर इन दोनों को सेव करेंगे, तो देखो हमारी इमेज आ गई, लेकिन अभी इमेज ना हमारी रिपीट हो रही है, तो अगर हमें रिपीट नहीं करनी ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। सेव करेंगे तो ये अपना इतना अपनी विड्थ ले लेगी, ठीक है। अब ये हम चाह रहे हैं कि ये पूरा नीचे तक ले, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज कवर, देखो सेव करेंगे, ये फुल तक अपने आप जो जितना स्पेस था उतना अपने आप ये कवर कर लेगी, ठीक है। अब हमें इसके बीच में चाहिए कोई भी कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिव बनाएंगे और हमें यहाँ पर मतलब कुछ भी कंटेंट लिखना है अपना, ठीक है। योर डिस्क्रिप्शन हेयर, ठीक है। इसमें हम क्लास दे देंगे डिस्क्रिप्शन की। अभी हम सेक्शन में है, हमारा यहाँ पर कंटेंट आ चुका है। अभी ये वाला कंटेंट हमें चाहिए सेंटर ऑफ द पेज में, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द पेज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स हमने डिस्प्ले कर दी, उसके बाद हम यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट करेंगे सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा, ये देखो सेंटर में आ गया जस्टिफाई कंटेंट करने से। और यहाँ पर हम करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये हमारा आ गया सेंटर में, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे इसमें सीएसएस दे देंगे फॉन्ट साइज, ठीक है। कितना देना, 40 पिक्सल्स लेट से। तो यहाँ पर आ गया योर डिस्क्रिप्शन हियर, ठीक है। दिस इज दैट मच सिंपल, बस 2 लाइन 3 लाइन के कोड से जो हमारा सेंटर ऑफ कंटेंट सेंटर में आ जाता है, बस इतना सिंपल है, ठीक है। और क्या हम कर सकते हैं, अगर इसको हमने थोड़ा बोल्ड बनाना है तो यहाँ पर फॉन्ट वेट दे सकते हैं 800 पिक्सल या 800 ही, ठीक है। तो ये हमारा मोटा हो गया। और अगर हमने यहाँ पर नीचे और लाइन भी ऐड करनी है लेट से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डिव बना लेंगे विद द क्लास ऑफ लेट से सब, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सक्राइब टू माय चैनल, यहाँ पर सेव करेंगे। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने अगर पूरे सेक्शन को क्लास डिस्प्ले फ्लेक्स दिया ना, तो ये एक डिव ये कंसीडर कर रहा है और एक डिव ये कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर हम इसको कॉलम कर देंगे ना, तो ये हमारा कॉलम वाइज आएगा, लेकिन अगर इसको हम रो कर देंगे तो ये हमारा ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो अगर अभी हमें चाहिए कॉलम में, तो हम यहाँ पर इसको कॉलम करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सेम, ठीक है। यहाँ राइट और कंटेंट है लिखा है, मैंने फॉन्ट कलर दिया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा फॉन्ट का साइज बढ़ा है, और ये मेरा चैनल का नाम, भाई सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, ठीक है।
ये हमारा बन चुका है लैंडिंग पेज, सिर्फ इतने से में ही। ठीक है, कुछ समझ ना आया हो तो यार प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। कुछ भी समझ ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पर साइट पे शो हो रहा होगा, तो वहाँ पर तुम मुझे जाके मैसेज करो, DM करो, मैं तुम्हारी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, सो दैट्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।